वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इससे देश का विकास तेजी से होगा, देश में एक साथ चुनाव हो सकेंगे। आचार संहिता के कारण विकास के कार्य रुकते हैं। कांग्रेस पिछले 77 सालों में देश का विकास नहीं चाहती थी। एक चुनाव का मसला लंबे समय से टलता रहा है। मोदी जी का ये निर्णय स्वागत योग्य है। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। खबर यह भी है कि सरकार शीतकालीन सत्र में इस पर एक बिल ला सकती है। बहुत खुशी की बात है कि जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में देश में एक चुनाव कराने को लेकर कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने राष्ट्रपति जी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और राष्ट्रपति जी ने उस रिपोर्ट को सरकार को दिया है और उसके आधार पर आज कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी उसके ऊपर में दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन होने से देश का विकास तेजी से होगा, देश में सभी चुनाव एक साथ हो जाएंगे। जो आचार संहिता के कारण विकास के काम रुकते हैं, समय बर्बाद होता है और बार बार लोगों को चुनाव में जाना पड़ता है और एक साथ चुनाव होंगे तो ये देश के विकास के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। आज मोदी जी की कैबिनेट ने इसको सैद्धांतिक स्वीकृति दी है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और देश की जनता से भी आह्वान करता हूं कि इसका खुलकर समर्थन करें और देश के विकास में एक मील का पत्थर